जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारी कॉल आते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं कि डीसी और एसी कंप्रेसर में क्या फर्क होता है, कैसे उन्हें पहचाने। तो हमने एक वीडियो पहले भी बनाई थी जिसमें थोड़ा सा बताया था ये वाले कंप्रेसर चला के, ये डीसी कंप्रेसर है सैमसंग का। और आज फिर हम ये हमारे पास तीन कंप्रेसर पड़े हैं, एसी के हैं और इन्वर्टर एसी के हैं तीनों ही। तो इनमें से आज हम देखेंगे कि कौन सा डीसी इन्वर्टर है और कौन सा एसी इन्वर्टर है, यानी कि इंडक्शन इन्वर्टर है जिसमें नॉर्मल इंडक्शन मोटर है। तो शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस पर ये हाईली लिखा हुआ है और यहाँ पर इसके वोल्टेज लिखे हुए हैं 180 वोल्ट, 180 वोल्ट, और आरपीएम इसके 1000 से लेकर 7200। तो ये जो डीसी कंप्रेसर होते हैं, ये डीसी कंप्रेसर है, तो ये जो डीसी कंप्रेसर होते हैं ये हाई फ्रिक्वेंसी पर या फिर हाई आरपीएम पर चलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसके मिनिमम आरपीएम 1000, 1000 आरपीएम की मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस कंप्रेसर की। तो ये कंप्रेसर बीएलडीसी है। और इसके बाद हम देखेंगे ये छोटा बच्चा, तो यहाँ पर साथियों आप देखेंगे वोल्टेज लिखे हुए हैं 160 से 240, और इसके वोल्टेज और इसकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी 60 से लेकर 200 हर्ज। तो 200 हर्ज काफ़ी ज़्यादा होती है, 60 भी बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारे घर में आ रही होती है 50 हर्ज होती है। तो ये 60 हर्ज से स्टार्ट होगा, तो काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी पर ये स्टार्ट हो रहा है और काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी तक ये जा रहा है, 200 हर्ज तक। तो यह भी साथियों डीसी कंप्रेसर है जो हाई फ्रिक्वेंसी पर चलते हैं या फिर हाई आरपीएम पर चलते हैं, तो वो डीसी कंप्रेसर होते हैं। ये लो फ्रिक्वेंसी या लो आरपीएम पर नहीं चलेगा। तो अब ये वाला कंप्रेसर देखते हैं साथियों। तो इस वाले कंप्रेसर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी नहीं है, फ्रिक्वेंसी कम है, 30 हर्ज से 120 हर्ज तक। तो इसकी फ्रिक्वेंसी 30 हर्ज से है 120 हर्ज तक, तो ये कम आरपीएम का कंप्रेसर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ थ्री फेस लिखा है, सीधा सीधा थ्री फेस लिख दिया है, 62 वोल्ट से लेकर 160 वोल्ट तक, यानी कि इसको 62 वोल्ट चाहिए 30 हर्ज पर चलने के लिए और 160 वोल्ट चाहिए 120 हर्ज पर चलने के लिए। तो ये वाला जो कंप्रेसर है ये आप देख सकते हैं कितनी लो फ्रिक्वेंसी में है, 30 हर्ज, और जो हमारे यहाँ आती है 50 हर्ज उससे भी कम हो रहा है। तो यह वाला एसी कंप्रेसर है, इसमें सिंपल इंडक्शन मोटर है और उसी तरह से ये काम करता है। ये अगर आप इसे चलाएंगे डीसी कंप्रेसर वाले सर्किट पर तो ये नहीं काम करेगा। इसके बाद साथियों आप ये वाला कंप्रेसर देख सकते हैं। तो ये वाला कंप्रेसर आप देख पा रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है इसका कंप्रेसर और मॉडल नंबर 3 फेज डीसी मोटर। यहां पर सीधा सीधा इन्होंने लिख दिया है कि ये डीसी कंप्रेसर है, एसी पर नहीं चलेगा, एसी वाले बोर्ड पर नहीं चलेगा। सीधा सीधा इन्होंने डीसी कंप्रेसर लिख दिया, डीसी मोटर 220 वोल्ट। वोल्टेज ज़्यादा मैटर नहीं करती है, ज़्यादा मैटर करती है फ्रिक्वेंसी या फिर इस तरह से लिखा होना डीसी मोटर, या फिर फ्रिक्वेंसी का ज़्यादा होना। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो वो डीसी कंप्रेसर है, और इन्होंने बाकी जानकारियाँ इस पर लिखी नहीं है, छुपा ली है। और गैस इसमें R32 चलती है, और ये शायद डाइकिन का कंप्रेसर है। और इससे पहले वाला जो एसी कंप्रेसर हमने ये वाला दिखाया, ये भी डाइकिन का कंप्रेसर है, लेकिन ये एसी कंप्रेसर है, डीसी नहीं है। तो ये साथियों इसको कह सकते हैं ये डीसी इन्वर्टर है, और ये वाला ये आप देख सकते हैं ये एसी इन्वर्टर कंप्रेसर है, इसमें बीएलडीसी मोटर नहीं है। तो दोस्तों आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हाई फ्रिक्वेंसी पर यानी 200 हर्ट्ज, 250 हर्ट्ज, 350 हर्ट्ज तक भी कंप्रेसर ऑपरेट किए जाते हैं, वो
वो BLDC होती है, लो फ्रिक्वेंसी पर 100 Hz के आसपास, या ब्लो 50 50 से नीचे की फ्रिक्वेंसी पर जो ऑपरेट किए जाते हैं, 25 30 20 से स्टार्ट होकर 100 120 Hz तक, वह इंडक्शन कंप्रेसर होते हैं, यानी कि AC इन्वर्टर होते हैं। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।